तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों का चेहरा एकदम सेम है, दोनों जुड़वा बहने हैं। ए देखा तो मुर्गा भात बना था मुके मुर्ख जोर भूख लागत है, झट से बनाए देवे ने। हाँ दे प्याज काटा था जल्दी बना दे। झालमुरी कुरकुरे सब मिलता है। ट्राई करते हैं साथ में है छिलका रोटी और ये रहा रखते हैं। नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं आपको लेके पंचघाग, जहाँ पे पांच धाराओं का मिलन होता है, पांच नदियों का मिलन होता है, जो कि खूंटी जिला पे है। मुरहू इस गांव का नाम है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं, पिकनिक का माहौल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं और हम लोग भी आ चुके हैं आपको लेके। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है खाने के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ का जो जलप्रपात है पंचघाग वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे देसी झारखंडी खाना मिल रहा है। तो चलिए एक एक स्टॉल में जाके देखते हैं क्या मिल रहा है और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मुंडा ब्रेकफास्ट होटल है और मड़ुआ रोटी, छिलका रोटी, कुल्हड़ चाय सब कुछ बनता है। यहाँ पे दीदी है, जोहार। जोहार, क्या नाम है आपका? इभा बोद्रा। इभा बोद्रा, तो आप लोगों के होटल में देख रहे हैं बहुत झारखंडी खाना मिल रहा है, क्या क्या बना रहे हैं? चाय कुल्हड़ वाला और धुसका, आलू चोप, ब्रेड चोप, चाउमीन भी बनता है और छिलका रोटी, मड़ुआ रोटी। अच्छा, छिलका रोटी, मड़ुआ रोटी। पीछे चूल्हा मिट्टी का भी चूल्हा है ना? हाँ। तो उसी पे बनता है? आप लोग घूमने के लिए यहाँ झालमुरी कुरकुरे सब मिलता है और हाँ 20 साल से है। हाँ ये मम्मी है। अच्छा, तो आप भी मदद करते हैं ना? हाँ मदद करते हैं। अच्छा अच्छा बच्चे। तो दोस्तों एक चीज हम लोग नोटिस की कि यहाँ पे दोनों जो सिस्टर है आप लोग ट्विंस हैं। हाँ आप दोनों देखो देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, एक साथ खड़े रहे। क्या नाम है आप लोग का? मेरा नाम संध्या डोडराय है। मेरा नाम शांतिलता डोडराय। अच्छा, तो आप में से बड़ी कौन है? संध्या। हम कितने देर की बड़ी है? आधा घंटा। आधा घंटा की। हाँ। अच्छा, तो दोनों कोई मिल के आप लोग अपना खोले हुए यहाँ पे। हाँ। मम्मी का मदद करते हैं। हाँ, ये सिर्फ छुट्टी भर है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग पढ़ाई करती है? हाँ। क्या कर रही है? ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन, चलिए बहुत अच्छी बात है। ग्रेजुएशन पढ़ाई के साथ यहाँ पे अपनी मम्मी का मदद कर रही है और देख सकते हो दोनों ट्विंस हैं, दोनों जुड़वा बहने हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे पंचघाग पे अपना एक स्टॉल लगाई हैं। तो देखिए यहाँ भी झारखंडी खाना बनाया जाता है और लकड़ी का चूल्हा है। तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं भैया यहाँ पे? सब चीज जो ऑर्डर आता है सब बनाते हैं। और चिकन बनाने का आप लोग कितना लेते हैं? चिकन जैसे कि वहाँ से लाएंगे चाहे हम लोग यहाँ। आप लोग देसी चिकन रखते भी है? अभी भी होगा आपके पास है ना? अच्छा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको देसी चिकन यहाँ मिल भी जाएगा, तो अगर आप चिकन नहीं भी लेके आओगे तो यहाँ पे आपको सुविधा है। और देख सकते हैं लकड़ी के चूल्हे पे एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ देसी चिकन कटा हुआ है और ये बना रहे हैं। और पूरा मिट्टी का चूल्हा है और बहुत स्वादिष्ट ये खाना बनाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितनी भीड़ हो चुकी है और काफ़ी लोग आज आए हुए हैं।
और ये लगता है देसी केला है। कैसे दर्जन है केला दीदी? है दोस्तों, देखिए दोस्तों, केला 30 रुपया दर्जन। जोहार। जोहार सर। क्या नाम है सर आपका? पौलुस बोदरा। पौलुस बोदरा, तो ये जो होटल लगा है, कितने दिन के लिए होटल लगेगा? ये सर लगेगा कम से कम 2 महीना, फरवरी तक। फरवरी तक जी। और जो भी पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनको क्या क्या बना के खिला रहे हैं? क्या है? झारखंडी खाना में आपका मड़ुआ रोटी है। अच्छा। छिलका रोटी है, दुस्का है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्टॉल की बात करें, यहाँ पे लेमन ग्रास सॉप हमारा देहात का। अच्छा। देहात का पिठा है। ये क्या पिठा है सर? ये चावल का है। अच्छा, चावल का पिठा है। चावल का पिठा, ये मड़ुआ का, जिससे हमारा शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी लोगों के लिए। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है, अलग अलग स्टॉल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ हाँ, इस बार बहुत अच्छा बिक्री हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अच्छा, और मैगी सब भी बनाते हैं? हाँ, मैगी सब भी बनाते हैं। यह बच्चों का खेलने का दुकान है। यहाँ पे एक बोदरा देसी होटल है, देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर देसी चिकन चावल बनाया जाता है, सखुआ के पत्ता पे खिलाया जाता है। तो एखन दीदी यहाँ है। जोहर दीदी। जोहर। का मन बना थे? ए देखन तो मुर्गा भात बना थो। मोके मुरुख जोर भूख लागत है, झट से बनाए देबे ने? हाँ, ए दे प्याज काटा थो, जल्दी बनाए देबे। का रंग बना थे? कतरा कचिया लेसला? 1 किलो में 300 रुपया। 300 रुपया? हाँ। तनिक महंगा लागल लेकिन? नहीं तो तब प्याज लहसुन अदरक कर बहुत दाम है नी। सेले। हाँ। स्वाद लागी जुन? हाँ, खाए के देख ले वानी बनाए दे। अच्छा, तो तोरे मन कै महीना रे रहा ला हिया? 3 महीना। फरवरी तक रहा बा? हाँ। अच्छा, तो जे मन मुर्गा किन के लानबे से मन रे रही नी? नमक है नी? हाँ, नमक है। जे मन मुर्गा किन के लानबे से मन कर ले बनाए दे बा? हाँ, बनाए दे ले। आ तोरे मन रखा ला? रखी ला हमरे देसी बॉयलर सब के। सब रखा ला? हाँ। तो एखन हमें खाबो दे, हुआ है जन बनाबे चूल्हा में? चूल्हा में बनाए दे, और जे मन गैस में बनाए कहबे से मन के गैस में। हाँ। ठीक है, तब झट करने, मुरुख भूख लागत है। सच में बहुत जोर से भूख लग रही है दोस्तों, और अब फटाफट चिकन बनेगा और हम लोग खाएंगे। अभी यहाँ पे 2 बज चुका है और हम लोग कुछ नहीं खाए हैं सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। तो चलिए सीधे आप दिखाते हैं कैसे चिकन तैयार हो रहा है। तो देखिए, हम लोगों के लिए बना रही है दीदी, कढ़ाई चढ़ा के तेल गर्म हो रहा है। ठीक है, क्या कर बे दीदी? और यहाँ पे चला गया प्याज, देख सकते हैं। तो देखिए, चिकन को एकदम अच्छे से साफ किया जा रहा है। प्याज भुंजा रहा है, उधर मुर्गा अच्छे से साफ हो रहा है, और हम कूच रहे हैं अदरक लहसुन और मिर्चा। इसमें डाल दिया गया है अदरक लहसुन और मिर्चा, और इधर मुर्गा भी साफ से धुल चुका है। मुर्गा भी डला चुका है, हम लोग मिस कर गए। और देखिए, मुर्गा यहाँ पे लगभग तैयार हो गया है। ए दीदी, रोटियो बनाई इसला? हाँ, रोटियो बनाना है। कै रुपया? 10 रुपया पीस। 10 रुपया पीस? आटा रोटी और छिलका रोटियो? छिलका रोटियो 10 रुपया। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे 2 होटल है, एक होटल जहाँ पे छिलका रोटी बन रहा है, दूसरे होटल में हम लोग मुर्गा बनवा रहे हैं। तो 2-3 जगह है, आप जहाँ से चाहे वहाँ से खा सकते हैं। दोस्तों देखिए, मुर्गा लगभग बन के तैयार है और बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है ये मुर्गा। और इधर ये भैया भी बना रहे हैं अपना मुर्गा। तो 2-2 चूल्हा यहाँ पे जल रहा है। आप अपने से बना रहे हैं दादा? हाँ हाँ, अभी मटन बनाएंगे हम। मटन बना रहे हैं? हाँ, ये वाला। अच्छा, एक पीस दीजिएगा। रुकिए, तब बना लेंगे उसके बाद। अच्छा, ज़्यादा जोर नहीं करना है।
और ये देखिए गर्मा गर्म चिकन तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट बना है ये। अरे यहाँ पर बन रहा है छिलका रोटी, इसको ताई में डाल के बनाया जाता है। तो अब हम लोग दोनों जा रहे हैं खाने के लिए और हम लोग नीचे बैठ के खाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग आ चुके हैं अपना खाना लेके, अनुराग देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। सारा चिकन हम लोग इस पे निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग चिकन ट्राई करते हैं, साथ में है छिलका रोटी और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पतला पतला बना है, आप देख सकते हैं। ये झारखंडी खाना और ये नज़ारा। आज हम लोग आए हैं पंचघाट जलप्रपात में और हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा और ये एकदम गर्मा गर्म चिकन। चलिए चिकन का टेस्ट आपको बताते हैं। चिकन बहुत तीखा चटपटा बना हुआ है, सबसे शुरुआत मैंने चिकन से ही की है। दोस्तों चलिए छिलका रोटी के साथ शुरू करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम छिलका रोटी और चिकन का ग्रेवी बहुत सही बना है, देख सकते हैं। लाजवाब, बहुत स्वादिष्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं पतला पतला छिलका रोटी है और ये रहा चिकन। तो दोस्तों देखिए अनुराग हमारे साथ में है और अनुराग भी खाने के लिए जा रहे हैं और ये देखिए जी, और यहाँ देख सकते हैं चावल है, छिलका रोटी है, प्याज है और चिकन है मैं, क्योंकि इसमें खाने का स्वाद है ना जो बहुत बढ़ जाता है। मैं क्या ही बताऊँ, इस नज़ारे के साथ खाने का जो मज़ा है ना वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो जल्दी से इसे खाते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और देखते रहिएगा नितिश एंड कुजीन।